हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करेंगे क्लास 9th मैथ्स का चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलेटरल स्टार्ट करेंगे हम, ठीक है। तो ये आपकी इंट्रोडक्शन वीडियो होगी, तो इसे ध्यान से ज़रूर पढ़िएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आखिर क्वाड्रिलेटरल होता क्या है, मैं यहाँ लिखती हूँ क्वाड्रिलेटरल। ये आखिर क्या होता है, देखो क्वाड का मतलब होता है फोर और लेटरल का मतलब होता है साइड्स। तो मतलब क्वाड्रिलेटरल जो होता है वो आपका फोर साइड्स का होता है, ठीक है, इतना क्लियर है। अब इसकी एक डेफिनेशन लिखू कि आ फिगर फॉर्म्ड फोर पॉइंट्स इन एन ऑर्डर इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो कोई एक फिगर फॉर्म्ड होती है फोर पॉइंट्स की हेल्प से, तो आप उसको बोलते हो क्वाड्रिलेटरल। जैसे अगर कोई भी फिगर बन रही है जिसके फोर पॉइंट्स हैं और ये ऐसे बन रही है फिगर, तो दैट मीन्स फोर साइड्स हो गए इसकी, 1, 2, 3, 4, ठीक है। ये एक फिगर हो गई, तो ये क्या हो गया आपका क्वाड्रिलेटरल हो गया ये, ठीक है, इतना क्लियर है। ओके, अब आगे क्या है, अब मैं यहाँ पे कुछ फिगर्स बना देती हूँ, फिर आप मुझे बताना कि उसमें से कौन सा क्वाड्रिलेटरल है कौन सा क्वाड्रिलेटरल नहीं है। अब आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने फोर फिगर बनाई है, तो अब हम एक एक करके फिगर देखते हैं कि ये क्वाड्रिलेटरल है या नहीं है। देखो इसमें आपको फोर पॉइंट्स दिख रहे हैं, लेकिन कोई एक फिगर नहीं बना रही है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो दैट मीन्स ये एक क्वाड्रिलेटरल नहीं है। ये देखो इसके अंदर फोर पॉइंट्स हैं, 1, 2, 3, खाली 3 ही पॉइंट्स है, ये एक ट्राइंगल है आपका, तो मतलब ये भी आपका क्या है, क्वाड्रिलेटरल नहीं है। अब ये वाला देखते हैं, ये आपको एक रेक्टेंगल दिख रहा है, तो इसके फोर पॉइंट्स हैं, 1, 2, 3, 4, तो हाँ ये एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। अब ये वाला देख लेते हैं, फोर पॉइंट्स हैं इसमें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 पॉइंट्स आ रहे हैं इसमें, तो ये तो क्वाड्रिलेटरल नहीं है, ठीक है। जो भी जिसके भी फोर पॉइंट्स होंगे वो आपका क्वाड्रिलेटरल होगा। जैसे रोम्बस हो सकता है, रोम्बस के बारे में तो आपने पढ़ा ही होगा, आपको रोम्बस की फिगर पता होगी। रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, ये क्या होते हैं, ये क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं आपके, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि क्वाड्रिलेटरल की नेमिंग क्या होती है, उसकी नेमिंग कि आप क्वाड्रिलेटरल को कैसे लिखते हो क्वेश्चन में। ये आपका एक क्वाड्रिलेटरल मैं यहाँ पे एक बना देती हूँ, ठीक है, यहाँ मैं लिख देती हूँ ए बी सी डी। इसकी आप नेमिंग कैसे करते हो, आप लिखते हो क्यू यू ए डी, ठीक है, क्यू यू ए डी, और आपको ये लिखना होगा दैट इज ए बी सी डी, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, ठीक है। ये पूरी फिगर क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, नेमिंग आपको क्लियर हो गई। ओके, अब मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ, इसके अंदर तीन पॉइंट्स होते हैं कि इसकी फोर साइड्स होती हैं, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल की फोर साइड्स होती हैं, फोर ही एंगल्स होते हैं, ठीक है, और फोर क्या होते हैं, वर्टिसेस, ठीक है, वर्टिसेस होते हैं, इतना क्लियर हो गया। ओके, फोर साइड्स की तो हमने बात कर ली कि फोर साइड्स होंगे, दैट मीन्स एक क्वाड्रिलेटरल है। फोर एंगल्स की बात करते हैं, देखो अब चारों साइड्स इसकी है दे रखी है, तो दैट मीन्स एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, ठीक है, फोर एंगल्स भी हो गए, ये पॉइंट आपको क्लियर है। ओके, अब बात करते हैं वर्टिसेस की, वर्टिसेस क्या होते हैं, ये एक डॉट जो है जहाँ पे दो लाइन मिल रही हैं उसको आप कहोगे किस, इसको क्या कहोगे, वर्टिसेस, ठीक है, एक दो तीन चार जिसकी हेल्प से पूरी फिगर बन रही है, आप उसको कहते हो वर्टिसेस। अगर मैं खाली वर्टेक्स की बात करूँ, वर्टेक्स क्या होता है आपका, जैसे मैं बोलूँ वर्टेक्स ए, वर्टेक्स ए क्या होता है, वर्टेक्स ए की अगर मैं खाली बात करती हूँ तो उससे दो पॉइंट्स जुड़ते हैं, दो लाइंस जुड़ती हैं, ए डी और ए बी, ठीक है, तो ये क्या हो जाते हैं यहाँ पे आपके वर्टेक्स हो जाते हैं, कि वर्टिसेस से दो लाइंस जुड़ रही हैं, कौन कौन सी, ए बी, ए से क्या जुड़ रहा है, ए बी एंड ए डी, ठीक है। अगर ऐसी मैं बी की बात करती हूँ तो ये क्या हो जाता है, बी ए एंड बी सी, इतना क्लियर है। अगर मैं सी की बात करती हूँ तो सी बी, सी बी और सी डी, ठीक है, इतना क्लियर है। अगर मैं डी की बात करती हूँ तो डी ए एंड डी सी, इतना क्लियर हो गया। ये होते हैं हमारे वर्टेक्स, और एक एक पॉइंट जो होते हैं वो होते हैं वर्टिसेस, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। ये तीनों
होने चाहिए, तभी आप बोल सकते हो कि ये एक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, ये फोर तीनों चीज़ें होनी चाहिए इसके अंदर। ठीक है जी, इतना क्लियर हो गया है। अब हम बात कर लेते हैं कि ये एक क्वाड्रिलेटरल है। अब इसमें हम डायगनल की बात कर लेते हैं कि डायगनल्स क्या होते हैं आखिर। आपको पता होगा डायगनल्स क्या होते हैं, कि अगर हम इसका बीच में एक मैं लाइन खींच दूं तो ये क्या हो जाता है, आपका डायगनल हो जाता है। और डायगनल आप कैसे लिखते हो कि डायगनल, यह है डायगनल बी डी। ठीक है, ये क्या हो जाता है आपका डायगनल। अब डायगनल ने क्या किया है कि इस क्वाड्रिलेटरल को दो ट्रायंगल्स में बांट दिया है। ठीक है, आप ये चीज़ भी क्वेश्चंस में आपको पढ़ोगे कि डायगनल्स ने दो ट्रायंगल्स में एक क्वाड्रिलेटरल को बांट दिया है। ठीक है, अब बारी आ जाती है पढ़ने की एंगल सम प्रॉपर्टी की। एंगल सम प्रॉपर्टी मतलब कि जो सम होता है दोनों ही एंगल्स का, मतलब ये वाले सारे एंगल्स हैं ना, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी, इनका सम क्या होगा एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर। जैसे आप हमने पढ़ा था ट्रायंगल्स में कि एक ट्रायंगल जो होता है वो कितने का होता है, वो आपका 180 डिग्री का होता है, हमने पढ़ा था राइट। वैसे ही क्वाड्रिलेटरल जो होता है वो पूरा कितने डिग्री का होता है, हम वो पढ़ेंगे। ठीक है जी, अब क्या करा है डायगनल ने, इसे दो ट्रायंगल्स में बांट दिया। अगर मैं ट्रायंगल का तो आपको पता है, तो दो ट्रायंगल कौन कौन से हमारे, ट्रायंगल ए बी डी एंड मैं प्लस का साइन लगा देती हूँ क्योंकि इन दोनों ट्रायंगल्स को हम प्लस करेंगे तो अभी तो हमारा पूरा क्वाड्रिलेटरल बनेगा। ठीक है, ए बी डी और बी सी डी, ट्रायंगल बी सी डी मिलके क्या बनते हैं आपको, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। ठीक है, ए बी सी डी बन जाते हैं आपके क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो आपको पता है कि एक ट्रायंगल कितना डिग्री का होता है, वो होता है हमारा 180 डिग्री का, प्लस सेकंड भी ट्रायंगल है आपका तो वो कितने डिग्री का है, वो है 180 डिग्री का। तो आपका टोटल बन के कितना हो जाता है आपका 360 डिग्री का, 360 डिग्री का। ठीक है, कितने का हो जाता है क्वाड्रिलेटरल आपका, 360 डिग्री का हो जाता है। इतना क्लियर है। तो इसके अंदर हमारे कौन कौन से एंगल्स आ रहे हैं, इसमें आपके कौन कौन से एंगल्स आ जाते हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। इन चारों एंगल्स को आप प्लस करोगे तो आपका आ जाएगा 360 डिग्री। ये होती है हमारी एंगल सम प्रॉपर्टी। इतना क्लियर हो चुका है। ओके, अब हमने पूरा अच्छे से पढ़ लिया है इस क्वाड्रिलेटरल के बारे में। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल के बारे में, कि कितने टाइप्स के क्वाड्रिलेटरल होते हैं, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, वो हम पढ़ते हैं। अब हम बात करने वाले हैं टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स की। ठीक है, कितने टाइप्स के होते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रेपीजियम की। ठीक है, ट्रेपीजियम क्या होता है, ट्रेपीजियम होता है जिसकी साइड जो होती है वो आपकी नॉन पैरेलल साइड्स होती हैं। ठीक है, ये आपकी क्या है, नॉन पैरेलल साइड्स वाला होता है आपका ट्रेपीजियम। मैं लिख देती हूँ ए बी सी डी। ठीक है, आप ट्रेपीजियम को आप बोलते हो कि आइसोसेलेस, इसका एक अदर नाम भी होता है, दूसरा नाम होता है उसको आप बोलते हो कि ये एक आइसोसेलेस ट्रेपीजियम है। ठीक है, इतना क्लियर है। क्यों है ये आइसोसेलेस ट्रेपीजियम, बिकॉज इसकी जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं दोनों इक्वल नहीं है, ये कम है ये ज़्यादा है, इसकी जो लेंथ है एक की कम है एक की ज़्यादा है, राइट। तो क्या हो गया, ये नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल, इसकी नॉन पैरेलल साइड्स जो होती हैं वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। जैसे कि ए बी इज पैरेलल टू डी सी, ठीक है, और ए डी, आप ये भी बोल सकते हो कि ए डी इज इक्वल्स टू बी सी। ठीक है, नॉन पैरेलल साइड्स इसकी इक्वल होती है तो आप उसको बोलते हो ट्रेपीजियम, या फिर आप उसको बोल सकते हो आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। आपको नाम याद रखना है। ठीक है, ये सेकंड होता है, सेकंड नेम है उसका। ठीक है, अब सेकंड की अगर मैं बात करती हूँ, मैं बात करती हूँ पैरेललोग्राम की। मैं लिख देती हूँ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या होता है आपका, ये देखो मैं यहाँ पे फिगर बना देती हूँ एक, ये है आपका पैरेललोग्राम। ठीक है, ए बी सी डी पैरेललोग्राम होता है जिसकी बोथ
द पेयर ऑफ ओपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल. जिसकी जो ओपोजिट साइड्स होती हैं वो पैरेलल भी होती हैं और इक्वल भी होती है. जैसे ये वाला जो ए डी है वो किसके इक्वल है, बी सी के इक्वल है और दोनों पैरेलल भी हैं. ऐसे ही ए बी जो है वो किसके पैरेलल है, डी सी के, और दोनों इक्वल भी हैं एक दूसरे के. मैं यहाँ लिख देती हूँ, ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड बी सी इज पैरेलल टू ए डी. ठीक है, ये दोनों के हैं पैरेलल भी हैं और आप लिख सकते हैं इक्वल भी है. दैट इज ए बी इज इक्वल्स टू सी डी, बी सी इज इक्वल्स टू ए डी. ठीक है, ये आपका होता है पैरेलोग्राम. लेकिन एक चीज़ में आपको मैं क्लियर कर दूं कि एक पैरेलोग्राम जो होता है वो एक ट्रेपीजियम हो सकता है, लेकिन ट्रेपीजियम जो है वो कभी भी पैरेलोग्राम नहीं हो सकता है. क्योंकि ट्रेपीजियम में क्या होता है कि खाली एक साइड्स की बात करी गई है कि नॉन पैरेलल साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं. ठीक है, इसकी नॉन पैरेलल आपको यही दोनों दिख रही हैं तो ये दोनों इक्वल होती हैं. राइट, इसमें भी बोला गया है कि दोनों की जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती है और पैरेलल भी होती है. तो पैरेलोग्राम जो है वो ट्रेपीजियम हो सकता है, लेकिन कभी भी ट्रेपीजियम जो है वो पैरेलोग्राम नहीं हो सकता है. ये पॉइंट आपको इसमें याद रखना है. ओके, आगे हम पढ़ते हैं. आगे मैं बात करती हूँ रेक्टेंगल की. किसकी बात कर रही हूँ मैं, रेक्टेंगल की. रेक्टेंगल क्या होता है, देखो मैं एक फिगर बना देती हूँ, यहाँ पे रेक्टेंगल बना देती हूँ. ये आपका हो गया रेक्टेंगल. तो आपको ये रेक्टेंगल की फिगर दिख रही है. ठीक है, मैं इसकी नेमिंग कर देती हूँ ए बी सी डी. रेक्टेंगल में तीन पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, मैं यहाँ तीनों लिख देती हूँ जिससे आपको याद रहे. बोथ द पेयर ऑफ ओपोजिट साइड्स के जो पेयर होते हैं वो क्या होते हैं, इस पैरेलल होते हैं वो. ठीक है, सेकंड पॉइंट ये है कि जो ओपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल भी होती हैं. ठीक है, इतना क्लियर है. ओपोजिट साइड्स का जो पेयर होता है वो पैरेलल भी होता है, ओपोजिट साइड्स जो होती हैं वो इक्वल भी होती हैं. थर्ड पॉइंट समझने का है कि जो सारे जो चार एंगल्स होते हैं आपके रेक्टेंगल में, 1, 2, 3 एंड 4, फोर जो ये एंगल्स हैं वो कितने के होते हैं आपके, 90 डिग्री के होते हैं. ऑल द फोर एंगल्स आर 90 डिग्री. ठीक है, इतना क्लियर है. पैरेलल्स होती हैं, पेयर ऑफ ओपोजिट साइड्स, एंड ओपोजिट साइड्स जो होती हैं वो इक्वल भी होती हैं, और जितने भी एंगल्स होते हैं वो आपके 90 डिग्री के होते हैं. ठीक है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूं कि हमने पढ़ा है पैरेललोग्राम. अगर पैरेललोग्राम में और रेक्टेंगल में फर्स्ट दोनों लाइंस जो हैं कि वो पैरेलल और इक्वल होती हैं, वो दोनों ही सेम है. लेकिन अगर आप पैरेललोग्राम का एक कोई सी भी साइड को अगर आप 90 डिग्री प्रूफ कर देते हो कि ये है 90 डिग्री, तो ये क्या आपका क्या बन जाता है, ये आपका बन जाएगा रेक्टेंगल. ठीक है, ये चीज़ आपको इसमें याद रखनी है. एक भी साइड अगर आपने प्रूफ कर दी तो वो क्या बन जाएगा, आपका रेक्टेंगल बन जाएगा. इतना क्लियर है. चलो अब फोर्थ की तरफ चलते हैं. फोर्थ क्या होता है आपका, स्क्वायर. अब स्क्वायर की बात कर लेते हैं. स्क्वायर कैसा दिखता है आपका, ऐसा दिखता है स्क्वायर. ठीक है, नेमिंग कर देती हूँ ए बी सी डी. इसमें क्या होता है, इसमें आपका होता है कि ऑल फोर साइड्स आर इक्वल. ठीक है, इसकी चारों साइड्स क्या होती हैं, वो इक्वल होती हैं एक दूसरे के. ए बी इज इक्वल्स टू बी सी, बी सी इक्वल्स टू सी डी, सी डी इज इक्वल्स टू डी ए. इतना क्लियर है. ऐसे ही जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो पैरेलल होती है. क्या होती हैं, ऑपोजिट पैरेलल होती हैं. ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड बी सी इज पैरेलल टू डी ए. इतना क्लियर है. और इसमें है कि ऑल फोर एंगल्स, इसके जो चारों एंगल्स होते हैं 1, 2, 3, 4, वो भी कितने के होते हैं, वो भी आपके 90 डिग्री के होते हैं. ऑल द फोर एंगल्स आर 90 डिग्री. इतना क्लियर है. रेक्टेंगल और स्क्वायर आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गए होंगे. चलो अब हम बात कर लेते हैं रोम्बस की. रोम्बस क्या होता है, देखो रोम्बस की अगर मैं फिगर बनाऊं तो मैं बना देती हूँ, मैं इसको रोम्बस मानती हूँ. ठीक है, ये है आपका रोम्बस. मैं इसकी नेमिंग कर देती हूँ ए बी सी डी. ठीक है, देखो रोम्बस के अंदर क्या होता है, इसके चारों साइड्स क्या होती हैं, वो इक्वल होती हैं. ठीक है, मैं लिखती चलती हूँ. ऑल फोर साइड्स आर
इक्वल, इसकी चारों साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। इसकी जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं, वो पैरेलल होती हैं, ठीक है। और ऑपोजिट साइड्स जो हैं वो इक्वल बी होती हैं, ठीक है, वो क्या होती हैं, इक्वल भी होती हैं, ये पैरेलल भी होती हैं और इक्वल भी होती हैं, ठीक है। इतना क्लियर है। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, जो डायगनल होता है इनके बीच में, अगर मैं एक डायगनल बना दूं तो डायगनल जो है इंटरसेक्ट करता है एक दूसरे के साथ। अगर मैं रोम्बस की ये वाली फिगर लूं, एक काइट जैसी फिगर ले लेती हूं मैं, इसकी जो लाइंस होंगी ये क्या, और इसके जो डायगनल्स होंगे वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। इंटरसेक्ट करते हैं एट द सेंटर पे, एट अ सेंटर पे इंटरसेक्ट करते हैं एट द 90 डिग्री पर, ठीक है। तो मैं लिख देती हूँ कि डायगनल्स जो होते हैं इंटरसेक्ट करते हैं ईच अदर एट सेंटर एंड एट 90 डिग्री एंड एट 90 डिग्री, ठीक है। ये आपका क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। इतना क्लियर हो गया है, ओके। और एक और बात मैं अगर आपको बता दूं, ये जो रोम्बस है, ये रोम्बस जो है, अगर मैं यही वाला फिगर लूँ ए बी सी डी, रोम्बस जो है आपका पैरेललोग्राम भी हो सकता है। कब हो सकता है, जब इसकी जो साइड्स हैं दैट इज़ ए बी इज इक्वल्स टू आपका हो जाएगा ए डी के, अगर इक्वल हो तो। जैसे अगर मैं इस फिगर की बात करूँ, ये आपका एक रोम्बस है, ये आपका पैरेललोग्राम कब बन जाएगा कि जब ए बी साइड जो है वो किसके इक्वल होगी, ए डी साइड के इक्वल होगी, जो कि ए टी ए की वर्टेक्स से क्या हो रहे हैं, ज्वाइन हो रहे हैं, ठीक है। ये आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आपका पैरेललोग्राम हो जाएगा अगर इस ये वाली साइड इस साइड के इक्वल कर दी, ये वाली साइड जो है वो इस साइड के इक्वल कर दी जो कि ए की उस पर हो रहा है, ठीक है। इतना क्लियर हो चुका है, ओके। अब एक पॉइंट और मैं बता दूं कि स्क्वायर, रेक्टेंगल और रोम्बस ये आपके क्या हो सकते हैं, पैरेललोग्राम हो सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ज़्यादातर सिमिलैरिटीज़ हैं कि दोनों के जो पेयर ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो पैरेलल्स भी होती हैं और इक्वल भी होती हैं, ये तीनों चीज़ में बोला गया है, तो मतलब कि ये पैरेललोग्राम्स भी होते हैं आपके, ठीक है। इतना क्लियर है, ओके। पैरेललोग्राम का मैंने आपको बताया कि पैरेललोग्राम जो होता है वो एक ट्रेपीजियम हो सकता है, लेकिन ट्रेपीजियम जो है वो कभी भी पैरेललोग्राम नहीं हो सकता, ठीक है। रेक्टेंगल और मैं रोम्बस की बात करूँ तो रेक्टेंगल और रोम्बस जो हैं वो कभी भी एक स्क्वायर नहीं हो सकते हैं, ठीक है। कभी भी क्या नहीं हो सकते, वो स्क्वायर नहीं हो सकते हैं। इतना क्लियर है, ओके। एक लास्ट टॉपिक बचता है जो कि है आपका, मैं यहाँ पर पढ़ा देती हूँ, वो है आपका सिक्स लास्ट टॉपिक जो कि है काइट। काइट देखो क्वेश्चन होगा एनसीईआरटी में तो एक दो ही होगा, क्योंकि ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है, तो काइट के जो है वो क्वेश्चंस बहुत कम है। काइट की अगर मैं फिगर बनाऊँ तो मैं बनाती हूँ, ओके, मैं ये फिगर बना देती हूँ, ये काइट है, ठीक है, ओके। तो काइट क्या होता है, टू पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। एडजेसेंट क्या होता है, एडजेसेंट होता है जो भी कॉमन एंगल शेयर करता है, आप उसको बोलते हो एडजेसेंट साइड। एसेंस ऐसे एडजेसेंट साइड जो होती हैं जिसकी इक्वल होंगी वो आपका क्या होगा, काइट होगा, ठीक है। इतना क्लियर है, टू पेयर ऑफ द एडजेसेंट साइड्स जो कि आप बोल सकते हो कॉमन साइड्स, कॉमन एंगल शेयर करते हो, ठीक है। इतना क्लियर हो गया, इसको आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चंस हैं नहीं आपके। जो इंपॉर्टेंट था वो मैंने आपको पढ़ा है, दैट इज ट्रेपीजियम, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड रोम्बस, ओके। इतना क्लियर हो गया। तो हमने अब तक क्या पढ़ा कि आखिर क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, हम उसकी नेमिंग कैसे करते हैं, फोर एंगल्स, फोर साइड एंड फोर वर्टिसेस होते हैं, राइट। हमने पढ़ा है कि इस एंगल्स एंड प्रॉपर्टी क्या होती है क्वाड्रिलेटरल की, 360 डिग्री होती है, और टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स कितने होते हैं। ये जो टाइप्स हैं इससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, स्पेशली पैरेललोग्राम से रिलेटेड, ठीक है। इससे रिलेटेड बहुत सारी थ्योरम्स वगैरह हम पढ़ेंगे, क्वेश्चन बहुत सारे पढ़ेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आगे हम पढ़ेंगे इसकी थ्योरम 8.1 एंड 8.2। तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरे को टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे एंड फेसबुक पेज लर्न विद शेफाली पे मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।